मैं ऐसे ही जनरली आपसे पूछूं कि बताओ कौटिल्या ने क्या बोला है ना, तो यू यू कैन गिव मी अ जेनरिक आंसर कि कौटिल्या जो थे वो इस शताब्दी में हुए थे, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी, चंद्रगुप्त मौर्य को गाइड किया था, ये किया था, दिस इज अ जेनरिक आंसर। लेकिन अगर इसी के अंदर आप उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक बना दोगे, स्पेसिफिक बना दोगे जैसे कि भाई कौटिल्या ने अर्थशास्त्र लिखी थी, इस कंटेक्स्ट में लिखी थी, उस वक्त पे एक खंडित भारत था, उसको अखंड भारत बनाने के लिए ही वांटेड टू क्रिएट अ सिस्टम, और सोसाइटल इकोनॉमी पॉलिटिक्स इन सब के सिस्टम्स क्रिएट करने के लिए उनकी जो बुक अर्थशास्त्र है उसमें ये पांच छह मेन बातें कही गई हैं कि जो प्रिंस होता है वो सबका ख्याल रखता है, जो प्रिंस होता है वो भी धर्म के अधीन होता है। सो विच वन इज अपियरिंग बेटर? द सेकेंड वन। इसमें पता चल रहा है कि वी हैव रेड इट एंड वी नो इट, जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पहले वाले के अंदर कुछ खराब बात बोली थी हमने, इसमें भी यही बात थी, इसमें भी अलग थोड़ा सा अलग हो गया बस। इसके अंदर हमने जैसे एक पैसे का शो ऑफ होता है ना, वैसे ही नॉलेज का शो ऑफ होता है। सो इन सेकेंड आंसर यू हैव शोड योर नॉलेज कि यस मुझे पता है, यू हैव आर्टिकुलेटेड इट बेटर, यू हैव जस्ट आर्टिकुलेटेड इट, ऊपर नीचे को आपने करके नॉलेज को ऐसे पेश किया कि उस सामने वाले को बेहतर समझ आया।